गुड आफ्टरनून स्टूडेंट स्टूडेंट्स, टुडे दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर क्लास एंड टुडे वी आर कवरिंग स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड लास्ट चैप्टर ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर यूनिट 14 हीप। सो बेसिकली हीप इज अ व्हाट इज हीप। सो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे हीप्स के ऊपर, जो एक तरीके का मेमोरी यूनिट भी है, जैसे स्टैक है वैसे हीप डेटा डेटा स्टोरिंग का पार्ट है। सो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ हीप क्या है, इंसर्टिंग इनटू हीप्स क्या है, डिलीटिंग द रूट ऑफ हीप्स क्या है, हीप सॉर्टिंग क्या है, प्रायोरिटी क्यूज यूजिंग हीप्स कहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, कि आपको ये आनी चाहिए, प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन ऑफ हीप, एक्सप्लेन इंसर्शन ऑपरेशन ऑन हीप, एक्सप्लेन डिलीटिंग ऑफ अ रूट ऑफ अ हीप, डिस्कस हीप सॉर्ट, ये सॉर्टिंग का वे है हीप सॉर्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड प्रायोरिटी क्यू यूजिंग हीप, ठीक है। तो यस इंट्रोडक्शन ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हीप में एक बार सैपो रीड कीजिएगा यहाँ तक। द हीप डेटा स्ट्रक्चर इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री वेयर इच नोड ऑफ द ट्री हैज एन ऑर्डरली रिलेशनशिप विद इट्स सक्सेसर बाइनरी सर्च ट्री आर टोटली ऑर्डर्ड बट द हीप डेटा स्ट्रक्चर इज ओनली पार्शियली ऑर्डर्ड इट इज सुटेबल फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग मिनिमम वैल्यू ऑपरेशंस। हीप इज एन एरे ऑब्जेक्ट दैट इज कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इज नोड ऑफ द ट्री corresponds to an element of the array that store the value in the node. The tree is completely filled all at all levels except possibly the lowest, which is filled from the left upward to a point. Heap data structure are suitable for implement itself as a foundation of a theoretically important sorting algorithm called heap sort, which we will discuss after defining the heap. तो हीप में क्या समझ में आया सोफिया, क्या सर समझ में आया हीप यहाँ पे? कंप्लीट बाइनरी ट्री है ये हीप। एक्चुअली ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, एंड इसमें क्या है कि डेटा स्टोरिंग का अलग अलग तरीका यूज होता है, जिसमें एल्गोरिदम यूज करके हम हीप सॉर्टिंग और वो सारी चीजों का डेटा को के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल ऑफ हीप्स क्या है? सो हीप कैन बी डिफाइंड एज ए बाइनरी ट्री विथ की असाइन टू इट्स नोड्स, नोड्स वन की पर नोड। द टू टाइप ऑफ हीप आर मैक्स हीप एंड मेन हीप। सो आगे चल के देख लेते हैं मैक्स हीप क्या है, एक बार सूफिया रीड कीजिएगा। मैक्स हीप इज डिफाइंड एज अ हीप इन विच द की वैल्यू इन ईच नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द कीज एट इट्स चिल्ड्रेन, दैट इज की पेरेंट ग्रेटर इक्वल टू की चाइल्ड। द फिगर 14.1 डिपिक्ट्स अ मैक्स हीप। हियर द रूट नोड 8 इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड 7 एंड 6। सिमिलरली 7 एंड 6 आर ग्रेटर देन देयर चाइल्ड नोड्स। हो गया। यस तो इसमें क्या समझ में आया कि जो पेरेंट होगा ग्रेटर हो उससे छोटा ही चाइल्ड होगा,
जैसे 8 है तो नीचे देखिए कि 8 से नीचे ग्रेटर नंबर कोई भी नहीं है उसके चाइल्ड में। 7 4 3 छोटा तो फाइव देन होगा सिक्स ना, हाँ छोटा तो पेरेंट, देन होगा हाँ ना। पेरेंट लार्ज होगा एंड चाइल्ड क्या होगा स्मॉल होगा उससे। ठीक है, मीन हिप क्या है सबको एक बार रीड कीजिएगा इसको। मेन हिप्स, ए मेन हिप्स इज ए हिप वेयर द की वैल्यू इन इट्स नोड इज लेसर देन और इक्वल टू द कीज ऑफ इट्स चिल्ड्रेन आई की पेरेंट ग्रेटर देन की चाइल्ड। द फिगर 14.2 रिप्रेजेंट इन मेन हिप हेयर द रूट नोड 4 इज लेसर देन इट्स चाइल्ड नोड 4 एंड 5 सिमिलरली 6 एंड 5 आर लेसर देन देयर चाइल्ड नोड्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये लग गया कि जो पेरेंट होगा वो क्या है जो चाइल्ड है उसके बराबर या उससे छोटा होगा। आप यहाँ पे गलत पढ़े हो, लेस देन इक्वल टू सर ये बड़ा अच्छा लेस एंड देन है, सॉरी बराबर, ग्रेटर। यस सर, मतलब आप इसके कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो तो ये पेरेंट लेस होगा किससे चाइल्ड से या बराबर होगा। अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलोगे तो चाइल्ड इज ग्रेटर देन पेरेंट और इक्वल टू पेरेंट। ठीक है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो। तो यस सर, देख लो यहाँ पे नीचे में जो रूट एलिमेंट है उससे बड़ा ही सारा नंबर है, 5 7 6 8 9 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मीन एंड मैक्स ही समझ में आ गई। स्टेप रिक्वायरमेंट ऑफ हीप्स क्या है, सो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सुफिया यहाँ तक रीड कीजिएगा। द शेप रिक्वायरमेंट ऑफ हीप डिफाइंस दैट इन अ बाइनरी ट्री ऑल इट्स लेबल्स मस्ट बी फुल एक्सपेक्ट पॉसिबली द लास्ट लेबल वेयर ओनली सम राइट मोस्ट लीफ्स मे बी मिसिंग। दिस रिक्वायरमेंट इज वैलिड फॉर बोथ मैक्स एंड मीन हीप्स। क्या समझ में आया इसमें? तो इसमें ये बोला गया कि जो पेरेंट है ठीक है वो ऑलवेज फुल बाइनरी ट्री होना चाहिए। फुल बाइनरी ट्री मतलब एक पेरेंट और मैक्सिमम दो चाइल्ड। ठीक है, लेकिन चाइल्ड लेवल पे हो सकता है कि वो उसके सब चाइल्ड नहीं हो सर एक पेरेंट्स फोर चाइल्ड नहीं हो सकता। ना। ओनली बाइनरी ट्री में फुल बाइनरी ट्री ये होगा, एक पेरेंट दो चाइल्ड, मैक्सिमम दो चाइल्ड, 0 चाइल्ड भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है एंड मैक्सिमम 2 हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे है 9 7 8 ऐसे करके है। तो यहाँ पे देखिए ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, ये फुल बाइनरी ट्री है लेकिन राइट साइड वाली फुल बाइनरी ट्री नहीं है। यहाँ पे क्या है, पेरेंट फुल बाइनरी ट्री है लेकिन चाइल्ड इसके कोई फुल बाइनरी ट्री में नहीं है। ठीक है, तो ये सब पे अप्लाई होती है, वही बताया है उसमें। तो नोट क्या है, हिप डेटा स्ट्रक्चर कैन बी एंड इन एरे ट्री, हीप इज नॉट एसेंशियली सॉर्टेड, मतलब हीप ऑलवेज सॉर्टेड नहीं होता है। टास्क आपको दिया गया है कि हीप इस हीप सीक्वेंस को सॉर्टिंग कीजिए थ्रू प्रोग्रामिंग। सो आपको हीप सॉर्टिंग के थ्रू आपको उसको करना पड़ेगा। सो आर्किटेक्चरल अप्रोच ऑफ द हीप एंड एल्गोरिज्म क्या है, द टू प्रिंसिपल वे टू कंस्ट्रक्ट द हीप आर बॉटम अप हीप कंस्ट्रक्शन एल्गोरिज्म एंड टॉप डाउन हीप कंस्ट्रक्शन एल्गोरिज्म। सो इसमें क्या है, एक नीचे से ऊपर है ठीक है, और दूसरा क्या है ऊपर से नीचे, मतलब दूसरा जो है रूट टू चाइल्ड जाएगा एंड पहला क्या है चाइल्ड टू रूट होगा। ठीक है,
इसमें देख लेते हैं, बॉटम अप हीप कंस्ट्रक्शन क्या है। एक बार रीड कीजिए। बॉटम ऑफ हीप कंस्ट्रक्शन इनिशियलाइज द कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एन नोड्स बाय प्लेसिंग ही इन द गिवन ऑर्डर एंड देन हैप्पीफाइज द ट्री एज फॉलोज, स्टार्टिंग विद द लास्ट पेरेंटल नोड एंड एंडिंग विद द रूट। द एल्गोरिथम चेक्स वेदर द पेरेंटल डोमेन्स होल्ड ओवर द की एट दिस नोड। इफ द पेरेंटल डोमेन्स कंडीशन इज नॉट मेट, द एल्गोरिदम एक्सचेंजेस द नोड्स की विद द लार्जर ऑफ इट्स चिल्ड्रेन एंड चेक्स ऑफ पेरेंटल डोमेन्स ऑफ द की इन इट्स न्यू पोजिशन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द पेरेंटल डोमेन्स फॉर द की सेटिस्फाइड आफ्टर द हैप्पीफिकेशन ऑफ द सब ट्री रूटेड एट द करेंट पेरेंटल नोड। द एल्गोरिथम प्रोसीड्स टू डू सेम फॉर द नोड इमीडिएट प्रोसेसर्स तो बेसिकली इसमें ये बोला गया कि बेसिकली यहाँ पे स्वैपिंग, अगर ध्यान में हो तो हम लोग सी में और सी प्लस प्लस में दो नंबर की स्वैपिंग की हम बात किए थे, याद है? यस सर। तो उसमें क्या हुआ था कि एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ स्वैपिंग कर रहे थे। ठीक उसी तरह एक एरे लेंगे एंड यहाँ पे जैसे ये नोड है, तो अब इस नोड को ये देखेंगे कि लेफ्ट में मेरा स्मॉल नंबर आना चाहिए, सेंटर में मेरा मीडियम नंबर आना चाहिए और राइट में हमारा ग्रेटर नंबर आना चाहिए जो कि सेंटर के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यस करेंगे, सर। पहला कंपेयर करेंगे किससे, ये 6 को 9 से, तो ये क्या है, ये सही है। लेकिन जैसे ही कंपेयर करेंगे 9 को 4 से, तो ये क्या हो गया, गलत है, तो ये 4 9 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट में क्या आ जाएगा, 4 एंड यहाँ पे 9। अब अगेन ये लूपिंग चले जब तक ना कि पूरी सॉर्टिंग हो जाए। तो अगेन 6 एंड 4 का कंपेयर चलेगा, तो क्या है, 4 छोटा है, तो अगेन स्वैपिंग होगा और 4 आ जाएगा यहाँ पे, 6 कहाँ चला जाएगा, रूट पे। ठीक है, तब ये बाइनरी ट्री फुलफिल होगा कंडीशन में, ठीक, लेफ्ट में स्मॉल, सेंटर में मीडियम एंड राइट में सेंटर से बड़ा नंबर आना चाहिए या बराबर। ठीक है, तो ऐसे सॉर्टिंग का मतलब वो करते हैं, बाकी चीजें हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया गया है 6 9 4 2 7 8। अब यहाँ पे क्या किया, लाइन, सेम अच्छा ये पोर्शन को सही सॉर्टिंग है नहीं किया है, लेकिन इस पोर्शन को देखिए ये स्वैपिंग कर दिया, यहाँ पे 7 और 8। सर। यस सर। कंटिन्यू चेकिंग टू फॉर द पोटेंशियल डोमिन डोमिनेंस। सो एक एक स्वैपिंग वो चलता रहेगा जब तक ना कि फाइनली कंप्लीट हो जाए चीजें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यस ये सर। दोनों में स्वैपिंग चल रहा है। ठीक है, डबल एरो का मतलब कि स्वैपिंग हो रहा है। फिर वैसे ही यहाँ देखिए 6 4 9 ऐसे ही, ये 2 से यहाँ देखिए ये 9 6। अब किस ऑर्डर में ये अरेंज कर रहा है, एक बार इसको रीड करना पड़ेगा तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए अब ये डेटा को अरेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ यस पे फाइनली ये देखिए, फाइनली ये बनाया है, 2 सबसे छोटा है,
सबसे लेफ्ट चाइल्ड हो गया, सेंटर में ग्रेटर है एंड राइट में छोटा है। तो ये वो ट्री याद है, जब ट्रैवलिंग हम लोग कर रहे थे तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या हो रहा था, पोस्ट ऑर्डर, पहले यस सर, याद लेफ्ट है। फिर राइट एंड देन सेंटर। तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो पहले लेफ्ट वाली चाइल्ड, उसके बाद राइट वाली जो वैल्यू है, देन सेंटर वैल्यू, सेम अगेन यहाँ पे ऐसे ही आ गया। तो पहले लेफ्ट देन राइट में कोई चाइल्ड नहीं है, फिर एट एंड सबसे लास्ट में नाइन। तो इसी हिसाब से ये ऊपर से रीड करेगा तो 9 6 8, उसके बाद ये लेफ्ट चाइल्ड 2 4 एंड फोर लास्ट में सेवन, सेवन तो इस तरीके से। यस तो सर, बाइनरी ट्री का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग और ये टॉप बॉटम अप, सो इसका एल्गोरिदम लिखने में आपको बहुत आसानी होगी। ऐसे ही आगे चल के हम लोग देखेंगे तो टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन एल्गोरिदम, जैसे यहाँ पे हीप बॉटम अप। सो बॉटम नीचे से ऊपर आने के लिए क्या एल्गोरिदम लिखेंगे, वो सारी चीजें एंड स्वैपिंग और ये सारी चीजें कैसे होगी वो। सो यहाँ पे देखते हैं टॉप डाउन हीप कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम क्या है। सुफिया एक बार इसको रीड कीजिएगा। The top-down heap construction algorithm is less efficient and it constructs a heap by successive insertions of new key into a previously constructed heap. The insertion of a new key into a heap is discussed in the section 14. इंसर्टिंग इन टू हीप, हीप में डेटा इंसर्ट करने का या फिर वो ट्रैवलिंग करने का कैसे कैसे है वो यहाँ पे बताया गया। तो इसमें क्या बताया गया, टू इंसर्ट अ न्यू की इन टू हीप, की मतलब एक नोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। की क्या मतलब, वैसा कुछ नहीं है, एक नोड, नया नोड ऐड करने की बात कर रहे हैं। ऐड ए न्यू नोड विद अ यस के आफ्टर द लास्ट लीफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हीप। तो कहाँ ऐड होगा, सबसे लास्ट ऑफ द में ऐड होगा। देन शिफ्ट के अप टू इट्स सुटेबल प्लेस इन अ न्यू हीप। सो जब नया हीप बनाइएगा तो सॉर्टिंग करके आप डालिएगा तो उसको प्रॉपर प्लेस पे रिप्लेस कीजिएगा, ठीक है, वो बताया यहाँ पे। तो कंपैरिजन में ये सारी चीजें चलती यस, रहेगी, यहाँ पे कंपेयर 8 है, कंपेयर ऐसे ही करके अलग अलग कंपेयरिंग चीजें चलेगी। 8 को कंपेयर किया गया है अपने पेरेंट्स से, उसके सिबलिंग से, वो सारे नोड से, ताकि 8 को प्रॉपर प्लेस मिल सके। सो लास्टली ये देखिए, पहला स्वैप ये हुआ और दूसरा स्वैप में यहाँ 8 को यहाँ पे प्लेस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब, अच्छा ये वाला लाइन रीड कीजिएगा साकू। द इंसर्शन ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर मोर प्री कंपेरिजन्स देन द हिप्स हाइट, सिंस द हाइट ऑफ ए हिप विथ एन नोड्स इज अबाउट लॉग टू एन द टाइम एफिशिएंसी ऑफ इंसर्शन इज इन ओ लॉग एन वो लॉग जीरो एन, लॉग तो एन ओ डिलीटिंग यस आर सॉरी सॉरी डिलीटिंग द रूट ऑफ अ हीप। अगर हीप के रूट को डिलीट करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो आपको प्रोसेस इसमें है कि पहले किसी एडजेसेंट जो है, तो एडजेसेंट कौन सा होगा, राइट वाले चाइल्ड को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी। लेफ्ट वाले चाइल्ड छोटे होते हैं, राइट वाले चाइल्ड बड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एट को हम डिलीट करने जा रहे हैं तो अब इसके जगह पे कौन सा वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब रूट नोड को डिलीट करना है, तो एट को किससे स्वैप किया, नीचे उसके बॉटम में जो था नंबर उससे, ठीक है। फिर उसको चाइल्ड नोड बनाया एंड उसको रिप्लेस किया, डिक्रीज द हीप साइज बाय 1, ठीक है, यहाँ से हटा दिया एंड उसको डिग्री ऑफ और हाइट ऑफ द ट्री
कम हो गया। ऐसे ही स्टेप थ्री में ये वो किया कि स्मॉलर को शिफ्ट किया, डाउन किया और उसी हिसाब से। सो आप इसको जब एल्गोरिथम और वो सारी चीजें करोगे तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। हीप सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग आप एक बार देखो तो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा अगर देखें। सॉर्टिंग में बेसिकली यह है कि कंपेयर करके हम एक नोड को दूसरे नोड से एक्सचेंज करते हैं। सुफिया रीड कीजिएगा। A heap is used to implement heap sort. Heap sort uses the data structure max heap, which is a complete binary tree where the element at any node is greater than its children. Heap sort is a comparison-based sorting algorithm which has a worst case O n log n runtime. This is a two-stage algorithm which is as follows. Step one, heap construction. Construct a heap for a given array. Stage two, maximum deletions. Apply the root deletion operation n minus one times to the remaining heap. तो यहाँ पे आपको एल्गोरिदम लिखने में ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको वो फाइनलाइज करने पड़ेंगे कि कहाँ पे हम आइटम मतलब किसी भी नोड को कंपेयर करेंगे और चीजें करेंगे, मतलब कंपेयर करके उसको डिलीट करेंगे। जैसे डिलीट किस नोड को करना है, कहाँ से करना है, वो सारी चीजें। फिर उसकी जगह पे कौन सा नोड आएगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यस सर। सो यहाँ पे इसमें दिया गया है ग्राफ के थ्रू कि ये लेट डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीप सॉर्ट यूजिंग द एग्जांपल। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स 6, 3, 8, 2, 4, 7, 9। द ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ अ नंबर कैन बी सीन। तो ये ठीक है। सो 6 के लेफ्ट में स्मॉलर है, 6 के राइट में ग्रेटर है, ठीक है। यस सर। सो लेट अस नाउ परफॉर्म द फर्स्ट स्टेज ऑफ ये जो क्या है। सो पहला स्टेज में क्या किया, कंपेयर किया 2, 4, 3 से। फिर यहाँ पे अगेन देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या किया, 7, 8 ये 9 और 8 को कंपेयर किया। सो यहाँ पे 9, 8 हाँ। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, ये रूट को ये कंपेयर किया 9 और 6 को कंपेयर करके वो ले गया, तो एक्सचेंज किया है। वी ऑब्टेन द हिपिफाइड ट्री। नाउ वी परफॉर्म स्टेज टू विच इंक्लूड्स द डिलीशन ऑफ नोड। सो अब किसको डिलीट करने का ये इसको है, ये देखें 6 और 8 के बीच में कंपेरिजन हुआ तो 6 को अब डिलीट करेंगे। सिक्स को डिलीट किया, 9 को डिलीट किया। ऊपर में डिफाइन किया था कि किसी आइटम को डिलीट कर रहा है तो नहीं ना। हाँ तो ये टॉप टू बॉटम वाला वो चीजों पे परफॉर्म हुआ है, नोड डिलीशन। तो टू परफॉर्म द नोड डिलीशन वी हैव टू पुश द लार्जर वैल्यू ऑन द टॉप ऑफ द हीप इनटू एन एरे एंड रिप्लेस द वैल्यू बाय द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन द ट्री एज रिप्रेजेंटेड इन 14.16। सो यहाँ पे ये यस देखिए कि सबसे लार्ज वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे 8 है, 8 8 यहाँ पे 9 है, मतलब 9 को रिप्लेस किया है। सर।
So now we can obtain a tree which is not balanced. Therefore, we repeat the process of hippifications to end with the large element in the top node of a tree. This element is now pushed again into the array, and the external extreme left bottom element replace. So जो सबसे लेफ्ट में है वो रिप्लेस होगा किससे, रूट से. एज वी रिपीट दिस प्रोसेस वी फाइनली ऑब्टेन द सॉर्टेड एरे एज अ फिगर. सो ये आफ्टर दैट ये सॉर्टिंग है. जैसे ये अनसॉर्टेड एरे है, तो अनसॉर्टेड एरे है तो वो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा डिलीट. तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले एरे को सॉर्टिंग करना पड़ेगा, देन हमको ये सॉर्टेड एरे मिल गया, अब हम इस पे कुछ काम कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू यूजिंग हीप. तो इसमें देखेंगे कि कैसे हीप की प्रायोरिटी हम सेट कर सकते हैं और वो चीजें कर सकते हैं. सोफिया रीड कीजिएगा. यस सर. अ प्रायोरिटी क्यू इज अ क्यू विथ आइटम्स हैविंग an orderable characteristic called priority. The objects having the highest priority are always removed first from the priority queues. A priority queue can be obtained by creating a heap first, call a function that creates an ascending heap. After creating the heap, delete the root node and call a function to recreate the heap for the remaining elements. This method helps in implementing an ascending priority queue. In the same way, we can implement a descending priority queue. तो इसमें क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? तो मेरे को तो नहीं आया. नहीं आया सुखी आपको? यस सर. समझ में आया कुछ कि नहीं? हाँ सर. चलिए कोई नहीं. प्रायोरिटी क्यू इज द क्यू, मतलब क्यू क्या, जैसे एरे होता है वैसे ही क्यू है. क्यू ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो. ठीक है, वो एरे में हो सकता है, लिंक लिस्ट में हो सकता है, सर्कुलर लिस्ट में हो सकता है, किसी भी तरीके में आपको वो डेटा को अरेंज करना है. ऑर्डरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड प्रायोरिटी. ठीक है, एक प्रायोरिटी मतलब अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको वो अरेंज करना है, वो सारी चीजें करना है, तो आप क्यू पे कर सकते हो. द ऑब्जेक्ट्स हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी आर ऑलवेज रिमूव फर्स्ट फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू. मतलब अगर हम रिमूविंग, और जैसे एरे में क्या होता है, वन साइड लिफो याद है टैपू? यस यस सर, लिफो याद है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, वैस नहीं लिफो, फीफो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, यस. तो यहाँ पे वही बोला कि अगर क्यू में आपको वो करना है तो आपको पहले प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब कि किस नोड की वैल्यू सबसे ज्यादा है. तो जो हायर नंबर होगा उसका मे बी ज्यादा प्रायोरिटी हो. ठीक है, तो जो सबसे हाई वो नंबर का होगा, या प्रायोरिटी का बोल सकते हैं, नंबर या प्रायोरिटी बोली यहाँ पे. जैसे नोड है तो 10, जो नो अगर नोड में वैल्यू 10 है, एक मिनट यहाँ ये समझ लीजिए ये क्यू है. ठीक है, अब इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 9 है, तो 9 को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा. तो जब भी अगर हम रिमूव करेंगे तो 9 को सबसे पहले रिमूव करेंगे, फिर 8 को रिमूव करेंगे, फिर 7 को करेंगे, फिर 6 को करेंगे, ऐसे करके करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है. हाईएस्ट प्रायोरिटी आर ऑलवेज रिमूव फर्स्ट द फर्स्ट फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू. अ प्रायोरिटी क्यू कैन बी ऑब्टेन बाय द क्रिएटिंग अ हीप
फर्स्ट कॉल अ फंक्शन दैट क्रिएट अ असेंडिंग हीप. असेंडिंग मतलब समझ गए ना, अरेंजिंग इनटू स्मॉल टू लार्जर, जैसे 0 1 2 3 ये असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मतलब 10 9 8 7 6 5 ऐसे. सो जी सर, आफ्टर क्रिएटिंग हीप डिलीट द रूट नोड एंड कॉल अ फंक्शन टू रिक्रिएट द हीप फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट. ठीक है, दिस इंक्लूड द हीप इज इम्प्लीमेंटिंग एंड असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू. इन द सेम वे वी कैन इम्प्लीमेंट डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू. हम असेंडिंग की बात कर रहे थे यहाँ पे, अब हम डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं, मतलब 10 9 8 7 6 5 ऐसे नंबर को उसमें से अब हमको डिलीट करना हो तो किसको पहले डिलीट करेंगे, तो पहले 10 को करेंगे, 9 को करेंगे, ऐसे करेंगे. यस सो द सर, स्टैंडर्ड अप्रोच टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू यूजिंग अ हीप इज टू यूज एन एरे स्टार्टिंग एट पोजिशन 1 इंस्टेड ऑफ 0, वेयर इच आइटम इन एरे रिलेटेड टू 1 नोड इन अ हीप. तो एरे 1 पे क्या होगा, होल्ड द रूट ऑफ द हीप. एरे 2 पे क्या होगा, होल्ड द लेफ्ट चाइल्ड. एरे 3 पे क्या होगा, होल्ड द राइट चाइल्ड. ठीक है, ऐसे ही फिर अब आगे बढ़े. तो यहाँ पे ये ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है, लेकिन 1 पे है, यस टू पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है. अब यहाँ से देखिए, पहला रूट 9, फिर लेफ्ट चाइल्ड 7, फिर राइट चाइल्ड 6, फिर सिक्स अगेन लेफ्ट चाइल्ड 5, राइट चाइल्ड 2, देन लेफ्ट चाइल्ड ओके 3. ठीक है, तो ये आपका एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप है. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, द सेफ प्रॉपर्टी ऑफ द हीप गारंटी दैट देयर आर नो एम्प्टी स्पेस इन एन एरे. सो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 0 इंडेक्स वो पॉइंट आउट कर रहा होगा, लेकिन ब्लैंक नहीं होगा ये. ठीक है, यस 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 तो समरी रीड कीजिए एंड कीवर्ड रीड कीजिए. सर को समरी रीड कीजिएगा, सुखिया कीवर्ड रीड कीजिएगा. The heap data structure is a complete binary tree where each node of the tree relates an element of the binary that of the array that store the value in the node. The two principal ways to construct a heap are by using the bottom-up heap construction algorithm and the top-down heap construction algorithm. A heap is used to element. Heap sort is a comparison-based sorting algorithm which has a worst case of O, n log n runtime. A priority queue is a queue with item having an orderable characteristic called priority, the object having the highest priority are always removed first from the priority queue. Priority queue can be attained by creating a heap. हो गया सर आपको? कीवर्ड्स एक्स यस सर, मेरा हो गया। सुप्रिया, कीवर्ड्स एक्स असेंडिंग हिप. इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन विच द वैल्यू ऑफ ईच नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट. हिपिफाई. हिपिफाई इज अ प्रोसीजर फॉर मैनिपुलेटिंग हिप डेटा स्ट्रक्चर्स इन एरे ट्री. An inarray tree is either an empty tree or a non-empty set of nodes which consist of a root and exactly n subtrees. The degree of each node of an inarray tree is either 0 or n. Parental dominance. The key at each node is greater than or equal to the keys of the children, and this fulfilled automatically for leaf nodes.
टाइम अप।